फर्स्ट परमुटेशन की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. काउंटिंग के लिए हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और वो हम कैसे यूज़ करते हैं चलो वो देखते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. कविता गोस टू अ मूवी. एंड द सिनेमा जो कविता वो मूवी देखने जाती है और जो सिनेमा हॉल है उसमें आपके पास 3 एंट्रेंस गेट हैं. सिनेमा हॉल्स हैज 3 एंट्रेंस गेट. एंड 2 एग्जिट गेट. हमने कहा कि जो सिनेमा हॉल है उसमें जाने के 3 गेट हैं और आने के 2 गेट हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ वेज इन विच सी कैन एंटर द हॉल. हम ये फाइंड आउट करेंगे नंबर नंबर ऑफ वेज शी कैन एंटर इन हॉल एंड कैन लिव इट. देखिए पहले इसको समझते हैं. कविता मूवी देखने जाती है. सिनेमा हॉल में 3 एंट्री गेट हैं और 2 एग्जिट गेट बाहर निकलने के गेट हैं. तो हमें ये बताना है कि वो कितने तरीके से हॉल में एंट्री कर सकती है, यानी किस गेट से जाए किस गेट से वापस आए और कितने उसके जो हो उसको लिव छोड़ सकती है, यानी कितने तरीके से वो बाहर आ सकती है. जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट जो है वो 3 है. वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है E1, E2 एंड E3. ठीक है, और जो एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट हम ले लेते हैं O1 से शो कर लो, O1 एंड O2. 2 एग्जिट गेट हैं उसको हमने मान लिया O1, O2 और एंट्री गेट E1, E2, E3. तो अब हमें ये चेक करना है कि अगर वो E1 से हॉल में जाती है तो O1 से बाहर आती है, E1 से हॉल में जाती है तो O2 से भी बाहर आ सकती है. तो कितने तरीके से वो अंदर एंट्री करेगी और कितने तरीके से वो हॉल को छोड़ देती है. तो चलिए देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं. E1 फर्स्ट गेट, E2 सेकंड, E3 थर्ड. ये हम ले लेते हैं एंट्री गेट. एंड एग्जिट गेट यहाँ पे लिख लेते हैं. एग्जिट गेट हमारे पास हो O1, O2. अब हम ये कह रहे हैं कि कविता जाती है सबसे पहले E1 गेट से हॉल में और वो बाहर निकलती है. O1 से भी निकल सकती है, यानी फर्स्ट गेट से भी निकल सकती है और सेकंड गेट से भी निकल सकती है. ये आपके पास एग्जिट गेट हो गए. ठीक है, यानी हमने कहा कि कविता अंदर एंटर करती है E1 गेट से और एग्जिट करती है O1 से भी कर सकती है और E1 से जाके O2 से भी बाहर आ सकती है. तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हो गया कि E1 से अंदर गई, O1 से बाहर आ गई. E1, O1. सेकंड हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट गेट से अंदर जाती है और O2 सेकंड गेट से बाहर आती है. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सारे वेज को हमने उठाना है. फिर अगर वो E2 गेट से अंदर जाती है देन O1 से बाहर आ सकती है, यानी फर्स्ट गेट से बाहर आ सकती है एंड सेकंड गेट से बाहर आ सकती है. ये हमारे एग्जिट गेट है. ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर E2 से एंट्री करती है तो फर्स्ट गेट से बाहर आती है, E2, O1, और अगर E2 से एंट्री करती है तो O2 से बाहर आती है, E2, O2. दो पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है, फर्स्ट E1, सेकेंड E2. फिर अगर वो थर्ड गेट से जाती है, थर्ड गेट से एंट्री करेगी तो O1 से बाहर आ जाती है, थर्ड गेट से एंट्री करके वो O2 से भी बाहर आ सकती है. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है E3 O1 एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लास्ट E3 O2. ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो कितने तरीके से हॉल में एंटर करेगी और कितने तरीके से वो एग्जिट करेगी. तो ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाती है. कितनी बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
हमारे पास छह पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। इसका सेकंड नेम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन एंट्री गेट थे, दो एग्जिट गेट थे, तो हमने इसकी सारी पॉसिबिलिटी निकाल ली, हमारे पास आई छः। तो छः को हम ये भी लिख सकते हैं कि थ्री एंट्री गेट मल्टीप्लाई टू एग्जिट गेट, दिस इज इक्वल टू सिक्स वेज। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे कि वो हॉल को, जो सिनेमा हॉल को एंट्री करेगी और उसके एग्जिट करेगी। तो कंप्लीट आपके पास छः केसेस बन जाते हैं, छः वेज बन जाते हैं। तो इस तरह से परम्यूटेशन में हमें क्या करना होता है कि डाटा को अरेंज करना होता है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गए। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ डाटा को अरेंज करने के। अब इसकी हम डेफिनेशन बता दें कि डेफिनेशन एग्जैक्ट होती क्या है, क्या बनेगी इसकी। इफ ए बी एन इवेंट, ए हम कोई भी इवेंट मान लेते हैं, कैन अकर इन एम डिफरेंट, यहां पे हमने बोला डिफरेंट वेज, इवेंट अकर होने का मतलब क्या होता है। जैसे हमने अभी कविता का एग्जांपल लिया, वो पहले गेट से एंट्री करती है, यानी हमारे पास एक इवेंट अकर हो जाता है, ठीक है। दूसरे गेट से एंट्री करेगी तो दूसरा गेट, तीसरे गेट से क्योंकि डिफरेंट बोला है तो तीन गेट में अलग अलग एंट्री करेगी तो डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एंड बी बी अनदर एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। तो अगर ए इवेंट हमारे पास एम डिफरेंट वेज में आता है, बी इवेंट अकर होता है एन डिफरेंट वेज में, ठीक है, ये एम तरीके एम टाइम, ये एन टाइम दिया हमने, देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस बोथ इवेंट बोथ इवेंट्स ए एंड बी, आपके पास क्या बन जाएगा, ये एम तरीके से हो रहा था, ये एन तरीके से, तो ये आ जाएगा इस एम इंटू एन, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था थ्री एंट्री गेट टू एग्जिट गेट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए थे सिक्स, जिससे वो हॉल में एंट्री करें और एग्जिट करें। तो इस तरह से आपके पास ये सेकंड इसका अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यही होता है कि अगर ए डिफरेंट वेज में अगर जाता है, एम वेज तरीके से अकर होता है, और बी डिफरेंट तरीके से एन वेज में अकर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाता है, हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एम इंटू एन, ये आ जाता है आपके पास, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आप बोल सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। पांच नंबर का यूज़ करके आपको बताना है कि आप तीन डिजिट का नंबर कितने तरीके से बना सकते हो, यानी कितने तरीके से आप इनको, इन डिजिट्स का यूज़ करके नंबर बना सकते हो, अज्यूमिंग दैट। कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि अगर पहले प्लेस पे हमने फोर ले लिया तो वो दूसरे प्लेस पे भी आ सकता है, तीसरे प्लेस पे भी आ सकता है, हम डिजिट्स की रिपीटिशन कर सकते हैं। एंड सेकंड कहता है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। चलिए पहला देखिए, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अगर मैं ये ले लेती हूँ कि हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम समझा देते हैं इसको, फिर इसकी लैंग्वेज बताते हैं कैसे लिखनी है आपको। हमारे पास नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, आपको नंबर बनाना है थ्री डिजिट का। थ्री डिजिट का नंबर बनाएंगे तो हम यहाँ पे तीन बॉक्स ले लेते हैं, हमें तीन डिजिट का नंबर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7, 6, 7, 3, ये तीन डिजिट का नंबर हो गया। बट आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डिजिट क्या क्या यूज़ करना है, हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट ही यूज़ करने हैं, तो इस तरह से हमें तीन नंबर का डिजिट बनाना है। अब देखिए, पहले अगर हम डिजिट उठाते हैं तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी डिजिट उठा सकते हैं और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसके पास कितने तरीके से आ गया, फाइव वेज। फर्स्ट डिजिट
आपके पास पांच तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप पांच भी ले सकते हो, चार भी, तीन भी, दो भी, एक भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, मान लिया मैंने फोर ले लिया इसके अंदर फर्स्ट डिजिट के अंदर, ठीक है। सेकंड की बारी आती है, सेकंड डिजिट के पास हमने कहा कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यानी रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे फोर ले लेती हूँ तो फोर का यूज़ मैं यहाँ भी कर सकती हूँ और यहाँ पे भी कर सकती हूँ, ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। तो यहाँ पे पांच तरीके से, क्योंकि हमारे पास पांच नंबर हैं और यहाँ पे हमें फिल करना है तो हम पांच तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। सेकंड डिजिट के नंबर आता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पास पांच नंबर हो गए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो हम पांच नंबर फिर से यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया फाइव वेज। थर्ड, इट्स ऑल्सो फाइव वेज, क्यों, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया मैंने इसको चार से फिल कर दिया, इसके पास भी पॉसिबिलिटी वही रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आप इनमें से कोई भी नंबर फिल कर सकते हो, इसके पास भी सेम टू सेम और इसके पास भी सेम टू सेम, यानी सारे के सारे नंबर सबके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 4 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे मैं 3 ले सकती हूँ, तो तीन डिजिट का नंबर आ गया 334, ठीक है। इस तरह से आप कितने नंबर बना सकते हो वो आपको बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके पास पाँच वेज, इसके पास पांच वेज, इसके पास पांच वेज, और हमने कहा था कि डेफिनेशन में क्या कहा था कि डिफरेंट वेज अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज अकरेंस ऑफ दिस कंडीशन। अकरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको तीन डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है, 125। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं। अब इसको देखो कैसे लिखना कैसे है, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देखिए। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, हम ये कर रहे थे, हमें तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें तीन डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो टू फॉर्म ए थ्री डिजिट नंबर we have to fill three places। अगर आप तीन डिजिट का नंबर बना रहे हो तो आपको तीन प्लेस फिल करने पड़ेंगे, 1, 2 and 3, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट प्लेस है, टू फिल फर्स्ट प्लेस, फिल्ड अप लिख लीजिए चाहे, फिल्ड अप फर्स्ट प्लेस वी हैव फाइव नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से आप कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर फाइव वेज, ठीक है। एंड टू फिल्ड अब सेकेंड प्लेस, we also use five numbers। जो हम सेकेंड प्लेस फिल कर रहे हैं उसके लिए भी आप पांच नंबर यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे बता सकते हो as repetition of numbers is allowed, जो repetition है वो आपके पास allowed है, इसलिए आप सेकंड प्लेस भी आप पांच तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम, टू फिल थर्ड प्लेस वी यूज फाइव प्लेस, फाइव नंबर्स, 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर यूज कर सकते हैं हम। इसमें भी आप ये रीजन दोगे कि रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 × 5 × 5, 125। ये आपके पास इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है कि हमारे पास रिपीटेशन अलाउड, डिजिट्स की रिपीटेशन अलाउड अगर नहीं है तो आप कैसे करोगे, देखिए। सेकंड हम लेके चलते हैं कि हमारे पास रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस तो वही
3 फिल करने हैं, 3 फिल करने के लिए हमारे पास क्या नंबर है, 1 2 3 4 5। तो पहला प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, यानी यहाँ पे आप 1 2 3 4 एंड 5 पांचों में से कोई भी फिल कर सकते हो। तो पहले के लिए हो गए 5 वेज, ठीक है, क्योंकि 5 में से एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे मैंने 2 फिक्स कर दिया, तो 2 हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसने मेंशन कर रखा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 2 अगर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, तो सेकेंड प्लेस के लिए वेज बचे 4, यानी इसके लिए हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 4, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने यहाँ पे 3 फिल कर दिया, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो अब इस थर्ड प्लेस के लिए कितने वेज बचेंगे, क्योंकि 5 में से 2 नंबर तो यहाँ फिक्स हो गए, 3 एंड 2, बाकी पीछे बचा कौन, 1 4 5, 3 डिजिट, 3 डिजिट बच गए हमारे पास, तो इसके हो जाएंगे 3 वेज। तो कोई भी अगर आपको नंबर बनाना है, हमें यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर आप यूज़ करेंगे उसी नंबर को फिक्स मान लिया जाएगा और आगे हमारे पास एक एक कम नंबर बचते जाएंगे। 5 नंबर यहाँ पे थे, इसके 5 वेज, इसके पास 4 वेज बचेंगे क्योंकि एक नंबर यहाँ फिक्स हो चुका, यहाँ पे हमारे पास 2 फिक्स हो गए, तो इसके पास 3 वेज बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 3 × 4 × 5, दिस इज 60, तो 60 वेज आ जाएंगे। ये कब आए, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लिखना वैसे सेम टू सेम है, बस यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट प्लेस अगर आपको फिल करना है तो आपके पास 5 वेज हैं, अगर सेकंड प्लेस फिल करना है तो आपके पास 4 वेज, बिकॉज यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और थर्ड प्लेस जब फिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 वेज बचेंगे और टोटल नंबर ऑफ वेज सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। कहते हैं कि 6 डिजिट आपके पास गिवन है और आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो जिसका यूनिट प्लेस हमें 3 डिजिट का चाहिए नंबर, ये हमारा होता है यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इवन नंबर चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 आना चाहिए, जैसे कि हमने बनाया 3 8 5 3 8, ऐसे लिख लो। तो इनमें से इवन नंबर कौन सा है, जिसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा वही नंबर हमारा इवन नंबर होता है 3 डिजिट का, तो ये हमारे पास इवन नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर चाहिए। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 up to 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, इनका यूज़ करके हमें यहाँ पे बनाना है 3 डिजिट का नंबर। तो कितने आपके पास, कितने तरीके से आप इस नंबर को बना सकते हो, ये आपको बताना है। देखिए चलिए पहले देखते हैं हम यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आप कौन कौन सा डिजिट फिल कर सकते हैं, 2 4 एंड 6। 1 3 5 हम नहीं ले सकते, अगर 1 3 5 यहाँ फिल कर देंगे तो वो हमारा ओड नंबर बन जाएगा, इसलिए इसके पास सिर्फ आप इसमें क्या क्या फिल कर सकते हो, 2 4 एंड 6, 3 नंबर फिल कर सकते हो यूनिट प्लेस पे, तो इसके पास बन गए 3 वेज, ठीक है। फिर आती है टेंस की बारी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मान लिया हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बना सकते हैं नंबर 2 का यूज़ करके सेम टू सेम 4 एंड 6 में, क्योंकि रिपीटेशन हमारी यहाँ पे अलाउड है। देन टेंस प्लेस पे हम कौन सा नंबर फिल कर सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हम टेंस प्लेस पे फिल कर सकते हैं, तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 6 डिजिट्स हैं, तो इसके पास आ गए 6 वेज, ठीक है। सेम टू सेम 100 प्लेस पे, यहाँ पे भी हम 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई भी सेम टू सेम यहाँ पे हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी डिजिट ले सकते हो, तो उसके पास आ गए 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बनेगा, 6 × 6 × 3, जो भी आंसर आपके पास आता है टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना कैसे है, फॉर ए नंबर टू बी इवन, अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द डिजिट इन यूनिट प्लेस
कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज, तीन वेज में आप इसको फिल कर सकते हो, 2, 4 and 6, ठीक है. एंड टेंस एंड हंड्रेड ऐसा लिख लो चाहे आप, प्लेस ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स कैन बी फिल्ड 6 ways. दोनों जो हो 6 ways से आप फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है. यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज किसके लिए बनाने, टू फॉर्म एन इवन नंबर ऑफ 3 digit, ये बनाना था हमें. टोटल नंबर ऑफ वेज 3 digit इवन नंबर, इवन नंबर चाहिए था हमें, इज इक्वल टू 6 × 6 × 3, 6 × 18 = 108. तो 108 वेज आ जाएंगे इसको जो है 3 numbers को फिल करने के लिए. हम 3 digit का नंबर अगर बनाते हो, 6 digits को यूज़ करके इवन होना चाहिए, तो आपके पास 108 वेज आ जाएगा. गिवन है हाउ मैनी 4-letter कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. शुरू के 10 letter दे रखे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. ये 10 letter आपके पास गिवन है, इनमें से आपको 4 letter का कोई कोड बनाना है. कोई भी 4 letter उठा के जितने भी नंबर बन सकते हैं, तो आपको बताना है कि कितने नंबर आप बना सकते हो. हाउ मैनी 4-letter कोड कितने बना सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे लेटर्स कैन बी, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है. एक लेटर एक बार यूज़ कर लिया, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं करोगे, ठीक है. तो देखिए चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं. 4 letter का बनाना है हमें. हेयर वी हैव टू चूज 4 letters आउट ऑफ 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है. 10 letters में से हमें 4 letter चूज करने हैं. 4 letter का चाहिए, हम 4 box लगा लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट लेटर आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट लेटर हमारे पास सारे के सारे नंबर गिवन है, 10 letter है, तो ये हो जाएगा 10 ways, ओके. एक लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरे के लिए आपके पास कितने वेज बचे. एक लेटर यहाँ पे आ चुका, 10 में से 1 यहाँ सेलेक्ट हो गया, फिक्स हो गया, बच गए हमारे पास 9 ways. सेकेंड के लिए बच गए 9 ways. 2 letter फिक्स हो गए, 10 में से 2 letter फिक्स, इसके लिए बच गए 8 ways. यहाँ पे 3 letter फिक्स हो गए, 4th के लिए बच गया आपके पास 7 ways, ठीक है. तो ये आपके पास 4 letters जो आपके पास सेलेक्ट करने के वेज आ जाते हैं, ठीक है. 4 first letter वी हैव 10 ways. पहले लेटर के लिए हमारे पास 10 ways है. आफ्टर सेलेक्टिंग ए फर्स्ट लेटर वी हैव रिमेनिंग 9 letter. अगर हम एक लेटर पहले नंबर पे फिक्स कर लेते हैं, तो हमारे पास 9 letter बच जाते हैं, ठीक है. फॉर सेकेंड लेटर वी हैव 9 ways. यहाँ पे आप बता भी दोगे क्यों, क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. फिर 2 letter हमारे पास फिक्स हो गए,
फॉर थर्ड लेटर, थर्ड लेटर वी हैव एट वेज, एंड फॉर फोर्थ लेटर वी हैव सेवन वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख के बता दोगे कि हमारे पास पहले के लिए 10 वेज है, दूसरे के लिए 9, यहाँ पे क्योंकि एक फिक्स हो चुका, फिर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो फिर बच गए 8 एंड फिर बच गए 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। नंबर फोर्थ गिवन आपके पास, हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 6 to 7 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। कहता है कि आपको 0 से लेकर 9 नंबर्स को यूज करके, 0 के बाद ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमने उठाए 0 से लेकर 9 नंबर। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास 10 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर आपको लेने हैं यहाँ पे 10 डिजिट्स, यानी कि आपको यूज़ करना है 10 डिजिट का, और आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट का, जिसमें आपके पास क्या गिवन है कि जो 67 है वो आपके पास फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पे 67 फिक्स गिवन है। चलिए देखिए, पांच डिजिट का नंबर बनाना है, पांच बॉक्स ले लेते हैं हम, 3, 4 and 5। इसने बोला है कि हमें जो चाहिए टेलीफोन नंबर जो बनाना है उसमें ईच नंबर स्टार्ट विद 67, हर एक नंबर जो वो स्टार्ट होगा 67। दो नंबर तो फिक्स हो गई कि हमारे पास कोई भी डिजिट यहाँ पे यूज़ कीजिए, शुरू में 6 and 7 ये फिक्स है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल नंबर उठा लिया 6, 7, 5, 4, 3, ये कोई पांच डिजिट का नंबर हो गया, इसमें जो 67 है ये फिक्स रहेगा। सेकंड नंबर हम बना लेते हैं 2, 3, 6, हमने ये तो चेंज कर दिए बट ये फिक्स रहेंगे, ये कंडीशन हमें मैंशन है। तो दो प्लेस के लिए तो हमारे पास फिक्स हो गया, फिर रह गया दिस। अब ये कहता है कि जो आपने नंबर यूज़ कर लिए, नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो नंबर आपने यूज़ कर लिए वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा 6 यूज़ हो गया फिक्स, यहाँ पे 7 फिक्स हो गया, तो दो नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए, तो इसके लिए कितने वेज बचे, टोटल हैं 10 नंबर, 10 में से दो फिक्स हो गए तो इसके लिए बच गए 8 वेज। ठीक है, आती फोर्थ डिजिट की बारी, तो तीन नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए, यहाँ पे 7 वेज। ओके, फिर लास्ट डिजिट, चार डिजिट फिक्स हो गए, 10 में से 4 डिजिट फिक्स कर दिया हमने, लास्ट के लिए बच गए 6 वेज, यानी कि इसके पास 6 डिजिट बच जाते हैं जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, तो 6 यहाँ पे फिक्स, 7 यहाँ पे, तो इस डिजिट के पास केवल 6 ही आ सकता है, इसलिए इसका रहेगा 1 वे। ठीक है, इसके पास सिर्फ 7 ही आ सकता है क्योंकि ये फिक्स है, तो इसका भी 1 वे। ओके, तो हमारे पास जो जो हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 7 एंड 6, सबकी मल्टीप्लाई करो, देन दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज 56 एंड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिस, तो ये आंसर आ गया 336। तो ये आपके पास वेज आ जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। आज हम इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन ही करेंगे, कल के लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चंस एंड कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेंगे। और परम्यूटेशन वैसा इजी चैप्टर है, अगर आराम से आप समझोगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बना के अगर आप करते हो तो बहुत इजी चैप्टर है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।